फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नेट। दोस्तों, आज हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको, न्यूमेरिक्स बताएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से जुड़े हुए। दोस्तों, लगातार 2 या 3 साल से एग्जांपल पे भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सोलनेसी फैमिली, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू लिलिएसी फैमिली, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फेबेसी फैमिली। तो एटलीस्ट उतने एग्जाम्पल्स तो आपको याद होना ही चाहिए जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पहला हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में 3 फैमिली को रखा गया है, एक सोलनेसी है, एक फेबेसी है और एक लिलिएसी है। लिलिएसी के एग्जाम्पल बहुत कम है, इसको आप मेमोराइज कर सकते हो आसानी से। फेबेसी और सोलनेसी, इन दोनों फैमिली के जो मेम्बर्स हैं, कैसे याद करना है आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा मेंबर किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, फेबेसी फैमिली को कैसे याद करें, फेबेसी फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, उनको कैसे कैसे मेमोराइज किया जाए, देखते हैं। तो फेबेसी फैमिली को याद करने का हमने जो ट्रिक बनाया है, न्यूमेरिक बनाया है, वो कुछ इस तरह से है। फेबेसी सन मून के ग्राउंड पर सोई मोटू की स्वीट सास ले ट्राई कर इंडियन गैस। फेबेसी तो फैमिली के नाम से फेबेसी, सन मतलब सन हेम, सन हेम एक फाइबर की तरह काम करता है, इसको सनई बोलते हैं हिंदी में। मूंग, मूंग तो आप लोग भली भांति जानते हो, पल्स है, दाल है। ग्राउंड नट और सोयाबीन दोनों ही एडिबल ऑयल हैं। मोटू से मुलेठी, मुलेठी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। स्वीट पी सिस्बेनिया लेस ल्यूपिन ट्राइकस ट्राइफोलियम। फ्रेंड्स, स्वीट पी और ल्यूपिन दोनों ही ऑर्नामेंटल की तरह यूज किए जाते हैं। सिस्बेनिया और ट्राइफोलियम फॉडर का काम करते हैं, फॉडर मतलब चारा। इंसान भी बहुत चलाक है, अपने खाने को फूड बोलता है और जानवरों के खाने को फॉडर। फॉडर मतलब चारा जो गाय भैंस खाते हैं, तो सिस्बेनिया और ट्राइफोलियम यूज एज अ फॉडर। इंडिगोफेरा डाई बनाने के काम में आता है। जी शेंस फॉर ग्राम, ए शेंस फॉर अरहर, यस सेम, दीज आर द पल्स। दोस्तों, ये रहा हमारा फेबेसी फैमिली को मेमोराइज करने का तरीका। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे मेंबर ऑफ सोलनेसी फैमिली। दोस्तों, अगला है हमारा सोलनेसी फैमिली, इसका थोड़ा सा मेमोराइज करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा और भी आसान होगा। एक्चुअली इसको हमने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है इसके कोडिंग को, और इस कोडिंग से थोड़ा एक मैसेज भी स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे। एक्चुअली होता क्या है, कुछ बच्चे तैयारी करने आते हैं मेडिकल एग्जाम के लिए, सपना तो होता है कि डॉक्टर बनेंगे, कोचिंग्स में जाते हैं, कई बच्चे तो डेडिकेट होकर पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग फैक्टर उनके सामने आ जाते हैं जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और सेलेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। जो एक्चुअली टीन एज में ही वो तैयारी करने के फील्ड में आते हैं, और सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर उनके लिए कन्याएं हैं और कन्याओं के लिए लड़के हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेबिट हो जाते हैं फील्ड से, और फिर बाद में उनको पछतावा होता है कि नहीं तुम पर तो आंसू बहाना, प्यार करना सब बकवास हमको लगता है। दोस्तों, इसी 2-3 टर्म से हमने बनाया है अपना न्यूमेरिक्स। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं ये इस प्यार मोहब्बत नीट के एग्जाम से आपको दूर कर सकती है, इसलिए अपने कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, एटलीस्ट फॉर टिल एग्जाम। अपने आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसी भी तरह का डेविएशन आए तैयारी के फेज में या कोई भी रुकावट आए, आप प्रॉपर गाइडेंस लो टीचर से, अपने जो एल्डर हैं, अपने सीनियर्स हैं, उनसे प्रॉपर गाइडेंस लीजिए ताकि आप एक सफल डॉक्टर बन सकें और अपनी मंजिल को पा सकें। तो सोलनेसी फैमिली हम इस तरह से याद करेंगे, इसका हमने बनाया है, तुम पर तो आंसू बहाना और प्यार करना सब बकवास है, और तो बाद में लगता है बकवास जब सिलेक्शन नहीं होता है या किसी ने प्यार किया धोखा पा गया, तो एटलीस्ट मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है,
हम सिंपली इस पे कैसे इसको मेमोराइज करना है सोलनेसी फैमिली को, इसको हम बनाए हैं। तुम पर तो आंसू बहाना, और प्यार करना बकवास है। अब हमें नहीं पता कितना बकवास है। खैर हम लोग, तुम स्टैंड्स फॉर टोमेटो, तुम सबने बताया है टोमेटो पर से पोटैटो, और नेक्स्ट तो टोबैको, आंसू मतलब अश्वगंधा। अश्वगंधा भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। बहाना मतलब ब्लेड होना। फ्रेंड्स ब्लेड डोना का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मैं लिए जो आँख के डॉक्टर होते हैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पीपल को डायलेट करने में भी काम करता है। तो जैसे ब्लेड डोना, प्यार, पिटूनिया, करना से चिली मतलब मिर्ची, और बकवास मतलब ब्रिंजल, एंड एच फॉर सॉरी बकवास में ही हमने एस आखिर में जानबूझ करके रखा है ताकि एटलीस्ट आप भूल न सको कि किस फैमिली का ये, आपको याद रहे कि ये सभी बिलोंग करते हैं सोलनेसी फैमिली से। और ये जो है टर्म है, इट इज़ यूज टू कंप्लीट द सेंटेंस ओनली। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा सोलनेसी फैमिली को किस तरह से याद करेंगे, इतने एग्जाम्पल स्टार्ट में दिए हुए हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, सोलनेसी फैमिली मतलब चोखा फैमिली। क्यों? क्योंकि टमाटर आलू प्याज से मिस्सी में आ जा रहा है। और चोखा बनाने के लिए, चोखा मतलब भरता बनाने के लिए, और टमाटर प्याज की जो आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो सोलनेसी मतलब चोखा फैमिली, एंड दीज आर द मेंबर्स ऑफ सोलनेसी फैमिली। और इतना ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप लोग इतना एटलीस्ट याद रखो। और नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स ये था सोलनेसी फैमिली। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे एक ट्रिक और हम आपको देना चाहेंगे, जो कि बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम्पल, नीट की एग्जाम में कई बार आया है। और हमने क्या किया है कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट वॉल्यूम है और सेकेंड वॉल्यूम, दोनों में टोटल जितने एग्जाम्पल थे सबको एक साथ लिया और हमने उस पर नंबरिंग बना दिया, ताकि आप एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। तो हमने ये जो नंबरिंग अगला हम आपको देंगे वो है सीड के बारे में। दो तरह के सीड होते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मस सीड और दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मस सीड। उसको कैसे याद किया जाए वो हम बताएंगे आपको। फ्रेंड्स देखिए दो तरह के सीड होते हैं, एक सीड जो कि एंडोस्पर्मस सीड जिसको हम बोलते हैं, ये अपने एंडोस्पर्म को रिटेन करते हैं, और दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मस सीड। एंडोस्पर्मस सीड में कौन कौन से एग्जाम्पल रखे हुए हैं एनसीईआरटी में जो कि नीट में पूछे जा सकते हैं, उनको एक साथ कलेक्ट किए हैं। एंडोस्पर्मस सीड का याद करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। इसका हमने बनाया है सीएम ऑफ बेंगलोर, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, सीएम ऑफ बेंगलोर विथ क्यूट वाइफ एंड सन। सीएम ऑफ बेंगलोर विथ क्यूट वाइफ एंड सन, इट इज अ न्यूमेरिक फॉर एंडोस्पर्मस सीड। तो सी मतलब टेस्टर, एम स्टैंड्स फॉर मैच, ऑफ तो सेंटेंस पूरा करने के लिए है, ये बार ले
वीट, बार्ले वीट, कोकोनट और सन मतलब सनफ्लावर, वाइफ सेंटेंस पकड़ने के लिए एंड से थोड़ा सा यात्रा आसान होगा कि ये बात हो रही है एंडोस्पर्मस सीड की। फ्रेंड इट इज अ कोड ऑफ फॉर एंडोस्पर्मस सीड मीन सीएम ऑफ बेंगलोर विथ क्विट वाइफ एंड सन कैस्टर्म इज बार्ले वीट कोकोनट एंड सनफ्लावर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोस्पर्मस सीड एंड ओनली दीज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। नाउ वी विल स्टडी मनी फॉर नॉन एंडोस्पर्मस सीड। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम नॉन एंडोस्पर्मस सीड के बारे में। नॉन एंडोस्पर्मस सीड इसका ने बनाया है गोरी गोरी गर्ल ऑफ प्योर ब्राजील हैविंग नॉन इंडियन ऑरिजिन। मतलब कोई लड़की है जिसका फेयर स्किन का कलर है ब्राजील से बिलोंग करती है लेकिन है क्या एनआरआई नॉन इंडियन ऑरिजिन की है नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो इसको याद कर सकते हैं हम गोरी से ग्राम घर मतलब ग्राउंड नट ऑफ मतलब फ्रेंड्स ऑर्किड। ये पी हो गया ब्राजील फॉर बीन पी ब्राजील फॉर बीन हैविंग सेंटेंस पूरा करने के लिए है और नॉन इंडियन मतलब नॉन इंडियन का मतलब है नॉन एंडोस्पर्मस सीड और ये भी सेंटेंस पूरा करने के लिए है नॉन एंडोस्पर्मस सीड। कुछ एग्जाम्पल थे जिससे कि हमने आपको तैयारी करने में कुछ हेल्प मिलेगी जहां जहां कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं लगातार इंटरवल में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम इसके और आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ नए तरीके बताएंगे कैसे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को मेमोराइज किया जाए। हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर न्यूट्रॉप लगातार जुड़े रहिए जिससे कि आपको बहुत सारे न्यूमेरिक्स ट्रिक्स मिलेंगे जो कि आपके नीट 2019 में बहुत हेल्प करेगा। धन्यवाद फ्रेंड।